हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स क्या होता है। मानवाधिकार से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से है जो व्यक्ति को मनुष्य होने के कारण प्राप्त होते हैं। यद्यपि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संरक्षण भी प्राप्त है, परंतु वर्ष 1948 में यूनाइटेड नेशन ने सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा की जो संपूर्ण मानव जाति के लिए है। आपको यहाँ पर समझना है मानवाधिकार संपूर्ण मानव जाति के लिए होते हैं, ये किसी भी राज्य या किसी भी देश की सीमाओं से परे होते हैं। लेकिन जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये किसी देश की नागरिकता प्राप्त होने के कारण या फिर किसी देश का नागरिक होने के कारण प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक ऐसी संस्था है जो आपकी लाइफ, लिबर्टी, इक्वेलिटी, डिग्निटी से रिलेटेड अधिकारों का संरक्षण प्रदान करती है। चलिए समझते हैं एनएचआरसी के बारे में डिटेल में। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए समझते हैं एनएचआरसी किस प्रकार की बॉडी है। तो फ्रेंड्स, एनएचआरसी एक स्टेटुअरी बॉडी है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या मतलब होता है? जब भी कोई बॉडी पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा, संसद के कानून के द्वारा बनाई जाती है, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसे कहते हैं? जब किसी बॉडी, किसी इंस्टीट्यूशन का प्रावधान संविधान के अंदर होता है, संविधान के किसी आर्टिकल में होता है, तब वह आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है एनएचआरसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया है। एनएचआरसी की स्थापना 1993 में की गई है पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है 1993 में एनएचआरसी की स्थापना की गई थी। चलिए समझते हैं एनएचआरसी के कंपोजिशन को, एनएचआरसी की संरचना को। तो एनएचआरसी एक मल्टी मेंबर बॉडी होती है जिसके अंदर एक चेयरमैन होते हैं और चार इसके मेंबर्स होते हैं। तो आपको याद रखना है चेयरपर्सन तो सुप्रीम कोर्ट के या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं या फिर कोई जज हो सकते हैं। बात करते हैं मेंबर्स की, तो मेंबर कौन हो सकता है? फ्रेंड्स, मेंबर्स सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो रिटायर्ड या फिर सर्विंग जज होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं, और ये दो होते हैं। दो मेंबर ऐसे होते हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से चुना जाता है, जबकि अदर दो मेंबर जो होते हैं वो ऐसी फील्ड से होने चाहिए जिनको ह्यूमन राइट्स के बारे में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और नॉलेज का होना अनिवार्य है। इनके अलावा एनएचआरसी में 4 ex officio मेंबर्स भी होते हैं। ये चार मेंबर्स होते हैं जो आपका नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यकों के लिए जो आयोग है, उसके जो चेयरमैन होते हैं ये भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर होते हैं। एक मेंबर होता है आपका नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट से एक मेंबर होता है, और एक मेंबर होता है नेशनल कमीशन फॉर ST शेड्यूल्ड ट्राइब से। ये जो कमीशंस हैं इनके जो चेयरपर्सन होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। एक होता है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो इसका मेंबर होता है। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए किया गया है, ये जो अलग अलग कमीशंस हैं, ये शेड्यूल्ड कास्ट, जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एनएचआरसी के मेंबर इसलिए होते हैं ताकि यहाँ पर सभी वर्गों के अधिकारों की रक्षा की जा सके, मानवाधिकारों की रक्षा एक व्यापक स्तर पर की जा सके, इसीलिए इनके पर्सन भी इसके मेंबर होते हैं। चलिए समझते हैं इनके मेंबर्स का अपॉइंटमेंट, नियुक्ति कैसे होती है। दोस्तों, एनएचआरसी के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है, लेकिन रिकमेंडेशन ऑफ ए 6-member committee, 6-member committee की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। चलिए समझते हैं ये 6-member committee के अंदर कौन कौन आते हैं। ये 6-member committee के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, एक मेंबर लोकसभा का स्पीकर होता है, राज्यसभा का डिप्टी स्पीकर, आपको याद रखना है यहाँ पर राज्यसभा के स्पीकर की बात नहीं हो रही है, राज्यसभा से डिप्टी स्पीकर, उपसभापति इस कमेटी के मेंबर होते हैं। लीडर्स ऑफ द अपोजिशन इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा प्लस राज्यसभा में जो अपोजिशन पार्टी का लीडर होता है वो इस कमेटी का मेंबर होता है। एक होते हैं आपके सेंट्रल होम मिनिस्टर, जो गृह मंत्री होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। तो ये जो 6-member committee होती है, 6-member committee, ये रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि किसको नियुक्त, किसको अपॉइंट किया जाना है। इनको रीअपॉइंटमेंट भी किया जा सकता है, ये एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। दोस्तों, अपने कार्यकाल को समाप्त
समाप्त करने के बाद जो चेयरपर्सन होते हैं एनएचआरसी के और मेंबर्स होते हैं, ये एलिजिबल नहीं होते हैं कहीं भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए। तो एनएचआरसी के चेयरपर्सन और मेंबर्स को रिमूव करने की पावर प्रेसिडेंट को दी गई है, राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है, लेकिन यहां पर आपको याद रखना है राष्ट्रपति अपनी मर्जी से इनको नहीं हटा सकता, इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट की सहमति लेना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करना जरूरी है। चलिए बात करते हैं एनएचआरसी के फंक्शंस की। तो जैसा कि आपको पता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा ह्यूमन राइट्स मानवाधिकारों की रक्षा की जाती है, मानवाधिकारों का संरक्षण किया जाता है। और कैसे मानवाधिकारों को इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इस चीज की रिकमेंडेशंस भी सरकार को दी जाती है। एनएचआरसी का हेडक्वार्टर दिल्ली में होता है। फ्रेंड्स, एनएचआरसी के जो मेंबर्स होते हैं वो समय समय पर जेल और जो इंडस्ट्री होती है उनमें जाकर अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं वहां की कंडीशन का। जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पर बाल श्रम को प्रतिबंध किया गया है, तो इस प्रकार से वो समय समय पर अलग अलग स्थानों पर जाकर निरीक्षण करते रहते हैं कहीं पर मानवाधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एनएचआरसी के वर्क करने से रिलेटेड कुछ चीजों का जानना जरूरी है। देखिए, एनएचआरसी को एक सिविल कोर्ट की पावर होती है। दोस्तों, एनएचआरसी के द्वारा अगर किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो और उस कारण से उनको क्षति पहुंची है, तो ऐसे में उन व्यक्तियों के लिए या उन संस्थाओं के लिए कंपनसेशन देने के लिए एनएचआरसी के द्वारा सरकार को परामर्श दिया जाता है। यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, एनएचआरसी का रोल मेनली रिकमेंडेटरी होता है। एनएचआरसी के पास किसी को पनिश करने की पावर नहीं होती है। यहाँ पर आपको याद रखना है एनएचआरसी का कोई भी परामर्श सरकार के लिए बाइंडिंग नहीं होता है, बाध्यकारी नहीं होता है। और एक चीज़ और आपको यहाँ पर याद रखनी है, एनएचआरसी अपनी एनुअल रिपोर्ट को यूनियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करती है, ना कि प्रेसिडेंट को। एनएचआरसी का रोल लिमिटेड होता है, इसकी पावर्स लिमिटेड होती हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ आर्म्ड फोर्स, आर्म्ड फोर्सेज से रिलेटेड इसकी रोल और पावर लिमिटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एनएचआरसी के बारे में इन चीज़ों को याद रखना अनिवार्य है, जरूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आज की क्लास का अंत करते हैं एक कोटेशन के साथ में। कोटेशन है, सफलता के बहुत से बाप होते हैं, असफलता अनाथ होती है। इस चीज को आपने अपने जीवन में भी अनुभव किया होगा, जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपके काफी सारे रिश्तेदार निकल आते हैं, लेकिन जब आप फेलियर का सामना कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में तो आपके जो अपने होते हैं वो भी आपके पराए हो जाते हैं। तो इसका मतलब यही है। इसीलिए फ्रेंड्स, आप लगातार काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए जब तक कि आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल हैं तभी लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपको सम्मान देते हैं और आपसे रिश्ता बनाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप असफल होते हैं, फेलियर का सामना करते हैं, तब आपका साथ कोई नहीं देता, तब आपको स्वयं अपना साथ देना होगा और आगे बढ़ना होगा। एक चीज आपको याद रखनी है, कोई भी समय हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वो सिर्फ टेम्पररी होती है, वो चली जाती है। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपका कोई भी बुरा टाइम चल रहा है तो आपको याद रखना है कि यह टाइम भी बीत जाएगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।